उत्तर प्रदेश के एटा में जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार प्रियदर्शी ने कार्य में लापरवाही बरतने के कारण 8 ब्लॉक्स के 105 सचिवों को नोटिस जारी कर दिया। साथ ही नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में स्पष्टीकरण की मांग की है। वहीं 2 सचिवों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की बात कही। दरअसल उपनिदेशक पंचायत अलीगढ़ मंडल के जूम ऐप के माध्यम से सभी सचिवों को निर्देश दिए थे कि पुराने बने हुए पंचायत भवनों को मरम्मत 25 जुलाई तक कराना सुनिश्चित करें। मरम्मत कार्य में फर्श पर टाइल्स, प्लास्टर, खिड़की, दरवाजे, महिला पुरुष अलग अलग शौचालय पाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद 26 जुलाई से 25 जुलाई तक पंचायत भवनों की जियो टैगिंग होनी थी। उसके बाद भी कार्य पूरा होता नहीं दिख रहा, जिसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार प्रियदर्शी ने एटा के 8 ब्लॉक्स के कुल 105 सचिवों को नोटिस जारी कर दिए। देखिए, ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बने हुए हैं, उनको उनका मरम्मत करना, उनको जीर्णोद्धार करना, उनको ग्राम पंचायत सचिवालय के रूप में विकसित करना, ये शासन की प्राथमिकता का विषय है। और ये अभियान चलाकर हम लोगों को 25 जुलाई 2021 तक सभी पंचायत भवन जो पहले से बने हुए हैं उनकी रंगाई पुताई मरम्मत करवा के उनके शौचालय, उनके पेयजल की व्यवस्था, वहाँ पे विद्युत की व्यवस्था, इंटरनेट, ये सभी चीज़ें हम लोगों को 25 जुलाई तक दुरुस्त करनी। तो इस संबंध में जो भी जिन सचिवों द्वारा अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किए गए थे उन सभी को नोटिस जारी किया गया है। और अगर इसी तरह से उन लोगों द्वारा कोई प्रगति नहीं की जाती है तो आगे विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।